हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न माध्य के बारे में। तो हम जानेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्य की गणना कैसे की जाती है और माध्य से संबंधित जो तीन प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम हल करेंगे बस एक ही वीडियो में। एक रिविजन क्लास है तो फटाफट से रिविजन कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि माध्य क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले माध्य समझ जाते हैं कि माध्य मतलब मीन क्या होता है। माध्य जो होता है, जो हमें संख्याएं दी गई होती हैं उसका औसत होता है। ठीक है, जो हमें संख्या दी जाएगी उसका औसत ही माध्य होता है। और ये कैसे ज्ञात किया जाता है, यह दी हुई संख्याओं के योग और कितनी संख्याएं दी गई हैं, दी हुई संख्याओं की कुल संख्या को विभाजित करने पर प्राप्त होता है। मतलब आपकी जितनी संख्याएं दी गई हैं उनको आपस में जोड़ लीजिए और जितनी संख्या दी है उसे डिवाइड कर लीजिए, आपका मीन माध्य निकल जाएगा। बस यही अगर आपसे माध्य पूछे तो लिख दीजिए। मीन क्या है दोस्तों, मीन इज द एवरेज ऑफ गिवन नंबर एंड हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द सम ऑफ द ऑल नंबर बाई द नंबर्स ऑफ नंबर, हाउ मेनी नंबर्स आर गिवेन। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। अब आइए एग्जाम्पल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपका ये हमें दिया है प्रश्न 2, 4, 6, 8, 10 और हमसे कह रहा है इसका माध्य निकालिए। तो माध्य में क्या करेंगे आप, दी हुई संख्याओं का योग। तो हमने सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ लिया, दी हुई संख्याओं का योग हमें 30 प्राप्त हो गया। अब इसमें कितनी संख्याएं दी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं दी हैं, तो हमने 5 से विभाजित कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, हमें माध्य प्राप्त हो गया। समझ में आ गया? अब तो समझ में आ गया कि माध्य क्या होता है, दी हुई संख्याओं के योग को दी हुई संख्याओं की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त मान हो उसे माध्य कहते हैं। चलिए तो अगर एग्जाम्स में इस तरह से पूछता है माध्य, तो आप सारी संख्याओं को जोड़ के और जितनी संख्याएं दी हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपका माध्य निकल जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है ना, सवाल ऐसे दे देता है, दो बॉक्स बना देता है, X1 और F1 कभी कभी X और F लिखता है, तो इस प्रकार से दे देगा। अब हम भैया इसमें हम क्या जोड़ें और इसमें हम क्या डिवाइड करें, ये तो हमें दो दे दिया, तो दो दिए तो इस स्थिति में क्या करेंगे, देखिए हम एक कॉलम बना लेंगे, हमें X1 दिया है और F1 दिया है, जो दिया है वो हमने नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको आपस में मल्टीप्लाई करा के हम लिख देंगे FX। तो 11 3 33 14 6 84 17 8 136 27 140। तो हमने इसका मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दिया और बस इसको आपस में जोड़ के, इसको आपस में जोड़ के हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो देखिए वही किया हमने, सिग्मा FX डिवाइडेड बाई सिग्मा F 393/24 हमारा क्या निकल गया, माध्य निकल गया। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें ऐसे देगा तो हम सबको आपस में जोड़ के दी हुई संख्याओं से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। और अगर हमें कॉलम में देगा इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के सबको जोड़ लेंगे और फिर F से, याद रखिए फ्रीक्वेंसी सिग्मा F, आपको सिग्मा F से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सिग्मा F से डिवाइड, ऐसा नहीं कि इसको जोड़ के, नहीं ये वाला नहीं, सिग्मा F को जोड़ के, फ्रीक्वेंसी को जोड़ के, फ्रीक्वेंसी जोड़ के डिवाइड करना है। समझ में आ गई? अब आइए तीसरी स्थिति ये है दोस्तों कि हमें इस प्रकार से प्रश्न दे दिया। किस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से, इसमें हमें आंकड़े जो है इंटरवल में वर्ग अंतराल पे दे दिया है, 30 से 40 40 से 50। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर केवल 11 था तो हमने तो मल्टीप्लाई करा दिया था, अब हम इसमें क्या करें। इसमें भी कुछ मत करिए, सिंपल सा आपने जैसे पिछले किया ना वैसे ही करना है। बस आप एक काम करिए, इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए। तो 30 और 40 के मध्य बिंदु क्या होगा, 35 होगा। 40 और 50 के मध्य क्या होगा, 45 होगा। 50 और 60 के बीच में 55 होगा। अब बस इसका मल्टीप्लाई करा के सबको जोड़ लीजिए और फिर से F के प्लस करके आप डिवाइड कर दीजिए। नहीं समझ में आया, अब फिर से समझा देते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए केवल हमें ये दो पॉइंट दी गई होती तो हम आपस में केवल मल्टीप्लाई करा देते, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं दिया है, हमें ये दिया है ये दोनों। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल है इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, 30 और 40 का मध्य बिंदु 35 होता है। अब आप कहोगे सर 35 कैसे आया, तो 30 और 40 के बीच में 35 होगा। अगर नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना होगा, 70/2 मतलब 35। समझ में आया? वैसे ही 40 प्लस 50/2 90 90/2 45। वैसे ही 50 प्लस 60/2 और कितना हो जाएगा, 50 प्लस 60 110 110/2 55। या तो इसको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लीजिए, वरना आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 30 में 5 जोड़ेंगे 35, 40 में 5 जोड़ेंगे, तो मतलब बीच का बिंदु निकाल लेना। अब जब बीच का निकल जाएगा तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 किया 105 यहाँ पर दिया गया है,
45 इंटू 7 315, इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करके इन सबको जोड़ लीजिए और इन सबको जोड़ के एक बार फिर से एफ से, एफ वाले के जोड़ से डिवाइड कर दीजिए। हो गया काम खत्म। देखिए बहुत हो गया, सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ एक्स हो गया, मीन हमारा माध्य हो गया। बहुत आसान से दोस्तों इसमें खत्म हो गया, ये वीडियो यहीं खत्म हो गई। और आपको याद रखिए एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल पूछता है माध्य निकालने के लिए। तो दोस्तों अब इसी आधार पे मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, तीन प्रश्न है बिल्कुल उसी तरह से। पहला आपका ये हो गया, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य में क्या करेंगे, आपको सभी को जोड़ देंगे और जितनी संख्याएं दी गई हैं उससे आप भाग दे देंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से, 20 बच्चों का यहाँ पे एज दिया गया है, अब इसके आपका माध्य निकालना है। तो याद रखिए द नंबर्स ऑफ बॉयज, ये हमेशा एफ होता है, ठीक है, एफ होता है हमेशा, चाहे नंबर्स ऑफ बॉयज हो नंबर्स ऑफ वर्कर हो, ये हमेशा एफ होता है। इसके ऊपर वाला एक्स हो जाएगा, ठीक है, जो इनकी विशेषता दी गई है वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो नंबर्स जो लड़के या फिर वर्कर्स हैं वो एफ हो जाएंगे। समझ आ गया दोस्तों? तो चलिए एफ ये हो गया हमारा और एक्स ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करा के एफ एक्स निकाल लेंगे और फिर लास्ट में एफ एक्स को जोड़ लेंगे और सिग्मा एफ को जोड़ लेंगे और एफ एक्स के जोड़ को और सिग्मा एफ के जोड़ को हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके। दूसरा दोस्तों यहाँ पे डेली वेजेस का क्लास इंटरवल दिया है, तो इसको कहते हैं सी आई, क्लास इंटरवल हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल। और दूसरा नंबर्स ऑफ वर्कर, यानी कि हमें ये यफ दिया है, ये वाला हमें यफ दिया है। तो इससे क्या करेंगे, इससे पहले आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मध्य बिंदु। 100 और 150 का मध्य बिंदु क्या होगा, आप जोड़ लीजिए। चलिए 100 प्लस 150 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 250, और 250 250 बाई 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 बाई 2 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 125। 250 का आधा 125 होता है 125, ठीक है। तो पहले वाले का 125 हो जाएगा, पहले का 125 हो जाएगा। और 150 प्लस 200 इसको भी कर लीजिए, 150 प्लस 200 बटे 2 कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका क्लास इंटरवल का मीन सॉरी मिडिल पॉइंट निकाल लीजिएगा, मध्य बिंदु, और फिर वो हो जाएगा हमारा एक्स। और एफ तो दिया ही है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से निकालिए। कोई दिक्कत नहीं, समझे, समझ आ गया। चलिए आप कमेंट में जब हमें उत्तर बताएंगे तो ऐसे बताएंगे कि ए का आंसर, ए इज इक्वल्स टू जितना आंसर आएगा वो, फिर बी इज इक्वल्स टू जितना आंसर आएगा वो, फिर सी इज इक्वल्स टू जितना आंसर आएगा वो। तो ये प्रश्न संख्या ए बी सी है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करके कमेंट में इसके आंसर बताइए। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे जैसी भी चीज़ें होती हैं आपके लिए वीडियो अपडेट होगा। मगर हाँ, आप भी थोड़ा मेहनत करिए, आपके कमेंट से मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों ने मेहनत किया, बच्चों ने कम से कम इसको तो सॉल्व किया। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।